Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We have already started geography portion and we have started chapter 19 in geography, and in the first video we studied about life on the earth, and also we discussed about biosphere and its importance. Okay. Today we are going to start a new topic, that is impact of humans on biodiversity and environment. Impact, you know na, asar, prabhav, okay, of human on, kaisa prabhav, matlab prabhav of humans, biodiversity and environment. And in this topic we will discuss about the main of main activities which resulted in the degradation of biodiversities, and they are first one overpopulation and deforestation, excessive hunting of wild animals, and fourth one that is advanced technology advancement, or you can say technological advancement. Okay, these four topics today we will discuss in this chapter. Okay, so let's start. Open your book, page number 149. Impact of humans on biodiversity environment. Human beings are the most important part of the biosphere. You all know that we human beings are the important part of which biosphere. Okay. Besides the humans, there are animals, birds, insects and plants in the atmosphere. And not only we human beings. Besides the other human beings, there are others like animals, birds, insects, plants. Also, they are plants in the atmosphere. These are also exist in atmosphere. But human beings are the most only species in the biosphere which can alter the environment according to their needs. And it is said here that human beings. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सब ये सब भी चीज़ें भी बायोस्फीयर के पार्ट हैं ना, जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ये एक अलग ही स्पीसीज है, जो कि हम क्या करते हैं, बायोस्फीयर को चेंज कर देते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. कैसे हम बायोस्फीयर को कैसे चेंज कर देंगे? इन द बायोस्फीयर वी कैन चेंज in the biosphere what we can change, alter the environment according to their needs. Hum environment ko hi change kar dete hain. Kaise? Dekha jaye, they have developed new technologies to exploit the natural resources to fulfill their needs. Humne kuch aisi technology develop kar di hai jo ki natural jo environment hai, jo natural जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेस हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. क्या करने के लिए? टू फुलफिल देयर नीड्स. अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करते हैं. टू एंड एक्सटेंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज नेसेसरी एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन. कुछ हद तक जो नेचुरल रिसोर्सेस हम यूज करते हैं वो सही है, लेकिन जब हम उसका एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, लिमिट्स बिकम क्वाइट डेंजरस. जब हम उसको लिमिट से अधिक यूज करने लगते हैं, तब वो हमारे लिए डेंजरस, डेंजर का रूप है, मतलब कि हमारे लिए बड़ा ही एक खतरनाक मोड़ लेने लगता है. नॉट ओनली इज द इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब, इससे केवल इकोलॉजिकल बैलेंस ही नहीं डिस्टर्ब होता है, बट ऑल्सो सच एक्टिविटीज लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इस तरह से क्या होता है कि कुछ जो एक्टिविटीज हैं वो
क्या होने लगते हैं, लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। द मेन ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि इसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, विच रिजल्ट इन द डिग्रेडेशन ऑफ, पतन करना, किसका पतन करना, ऑफ बायोडाइवर्सिटीज आर द फॉलोइंग, कुछ ऐसे जो दिए गए रिजल्ट के तौर पर। ओवर पॉपुलेशन, मान लीजिए कि आपके पास इतनी सी एरिया है और इसी जमीन पर बहुत लोग रहने लगे, एकदम बहुत लोग रहने लगे, तो ये क्या है, ओवर पॉपुलेशन है। ना ही किसी के पास एक पैर रखने की जगह है, ना ही कोई बैठ सकता है, ना ही किसी के पास खाने की चीजें हैं, तो ये क्या है, ओवर पॉपुलेशन। हमारा इतने ही एरिया है लेकिन बहुत लोग हैं, तो ये क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया। सो लॉन्ग एज अ कंट्री प्रोड्यूसेस सफिशियंट फूड फॉर द पॉपुलेशन, द इकोलॉजिकल बैलेंस इज मेंटेन्ड। हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं वो पॉपुलेशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, और जिससे कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। बट ओवर पॉपुलेशन अपसेट्स ऑल सच कैलकुलेशन। हम एक होता है ना, मान लीजिए कि आपके फैमिली में 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के लिए आपके घर में खाना बनता है, तो उतना सफिशियंट है, ठीक है। जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या होगा, वो खाना कम पड़ जाएगा ना, तो इसी तरह से है, अपसेट्स ऑल सच कैलकुलेशंस। हमारा कैलकुलेशन ही बिल्कुल बिगड़ जाता है जब ओवर पॉपुलेशन होने लगती है, तो हमारा कैलकुलेशन हर एक फील्ड से हमारा कैलकुलेशन खराब होने लगता है। कॉजेस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और इकोलॉजिकल में इम्बैलेंस भी शुरू हो जाती है, एंड लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस तरह से किसमें कमी होने लगती है, डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सेकंड क्या है, डिफॉरेस्टेशन। सेकंड क्या है बेटा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन और रथलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑल्सो लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक बायोडाइवर्सिटी का एक और भी कारण है, क्या कारण है, कि हम यूजलेस बिना बेवजह के ट्रीज को काटते जाते हैं, ठीक। इट आइदर क्रिएट्स ड्रॉट कंडीशंस और व्हेन देयर आर रेन्स वाटर रशेस डाउन अनचेक्ड रिजल्टिंग इन सॉइल इरोजन एंड फ्लड। अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो या तो सूखा पड़ जाएगा, नहीं तो जब बारिश होगी तो क्या होगा, ये सारी जो हमारे जो किस क्या होगा, जो इसमें सॉइल इरोजन होगा, फिर फ्लड होने लगेगी, सारी मिट्टी जो फर्टाइल मिट्टी है वो बह करके नीचे निकल आएगा पानी के साथ। जब ट्री नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब नीचे की तरफ बह जाएगा, सपोर्ट नहीं रहेगा कि उसको सपोर्ट करके पानी को रोके रहे, ठीक। थर्ड क्या है, एक्सेसिव हंटिंग। एक्सेसिव हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कभी कभी क्या होता है कि लोग बड़े शौक किया तौर पर शिकार करने जाते हैं, तो बेवजह जानवरों को मारते हैं। इफ देयर इज ओवर ग्रेजिंग बाय हार्बीवोर एनिमल्स लाइक शेप डियर ईटीसी द लैंड बिकम्स बैरन एंड द टॉप सॉइल लूज। मान लीजिए कि अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, मान लीजिए कि कुछ लैंड है, तो उस मान लीजिए यही लैंड है, तो इसी पर हमने जो चारा लगाया है, तो क्या होगा, हमने कुछ ही एनिमल्स को अलाउ किया है उसके चारे के लिए, अगर ज़्यादा हो गया तो ये पूरा चारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, ये क्या होगा, जो उसकी टॉप सॉइल है वो लूज कर जाएगी, और इस तरह से सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली इन डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस तरह से किसका रूप ले लेगा, डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मीनिंग बायोडाइवर्सिटी की पतन होने लगेगी। हैंस एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी चेक। इसीलिए हमें जानवरों का हंटिंग होने से, शिकार होने से हमें बचाना है, सो दैट हार्बीवोर एनिमल्स रिमेन विद इन लिमिट्स। इसीलिए जो हार्बीवोर एनिमल्स हैं वो लिमिट में रहने चाहिए। लास्ट वन, टेक्निकल एडवांसमेंट।
स्मोक इमिटेट फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज, आपने देखा होगा ना कि फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती हैं और ऊपर से बहुत धुआं आता है। कभी आपने आप गोरखपुर जाते समय गीडा साइड में ध्यान दिया होगा, जो बहुत बैड स्मेल आती है और उस चिमनी से धुआं निकलती है, लेदर जैसी स्मेल आती है ना, बैड स्मेल। ऑल्सो रिजल्ट इन वेरियस काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, इस तरह के जो फैक्ट्री से पॉल्यूशन होता है ये कई सारे काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, विच लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यह भी किसका कारण बनता है? बायो डाइवर्सिटी का, डिग्रेडेशन ऑफ बायो डाइवर्सिटी। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच, एंड टुडे सी योर होमवर्क, होमवर्क डू एक्सरसाइज ए ऑफ चैप्टर 29। ओके बेटा।